क्या बात है, क्यों रो रहे हो? रोना नहीं बेटा। बोले माता जी अगर आप मेरे को प्राण रक्षा कर दो पहले बताओ, फिर मैं बताऊंगा। आप पहले बताओ प्राण रक्षा करना। बोले ठीक है बेटा तेरे प्राण रक्षा करूंगा। बोले बताओ, कल मेरे को विश्वामित्र महात्मा कहा हनुमान जी शाम को प्रभु की सेवा करते हुए शाम को वापस आए, देखा माता अंजना बैठ रही बड़ी दुखी होकर के। बोले माता जी हनुमान जैसे बेटा रहते हुए माँ को कोई दुख है तो बेटा रहना नहीं रहना बराबर है। हनुमान जैसे बेटा माँ दुखी, मैया बेटा क्या दुख का कारण है? बोले बेटा एक शरणागत व्यक्ति को मैंने आश्रय दिया है, पहले तुम प्रतिज्ञा करो उसको प्राण रक्षा करो तो फिर मैं बताऊंगा। बोले कोई बात नहीं मैं रक्षा करूंगा। बोले कौन तू तो बता रहे चाह रहे। बोले विश्वामित्र राम को द्वारा मरवाना चाह रहे थे। इतने में हनुमान तो फंस गया, अंजना भी फंस गई। साधारण कोई व्यक्ति होता तो हनुमान रक्षा कर लेते, लेकिन प्रभु राम जो प्रतिज्ञा की मारने के लिए उनको कौन दुनिया से बचा सकता है। हनुमान तो बड़ी बुरी तरह से फंस गए। इतने में बोले ठीक है बेटा कोशिश करता हूँ। हनुमान जी सवेरे सवेरे अयोध्या पहुंच गए, देखा भगवान राम सज धज करके जा रहे हैं। बोले प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले सुकांत को मारने के लिए। बोले प्रभु क्यों एक व्यक्ति को मारोगे, छोड़ दो ना। बोले नहीं, उसने मेरे गुरु जी की चरण में प्रणाम नहीं किया, जिसने सर नहीं झुकाया उसका मैं सर के काट दूंगा। बोले प्रभु मैंने भी प्रतिज्ञा की है उसका प्राण रक्षा करूंगा। बोले तुमने कैसे प्रतिज्ञा की? बोले मेरे को पता ही नहीं था, पहले मैंने बोल दिया। इतने में प्रभु राम भी फंस गए। बोले जा तू जा कुछ करना करना, मैं तो उसको मारूंगा। इतने में श्री हनुमान जी आए, सुकांत जी को साथ में ले गए। चलो मेरे साथ में, मेरे पूछ को नीचे बैठ जाओ। चलो बैठ बैठ के दोनों प्रभु का नाम कीर्तन करते हैं। बोले रघुपति प्रभु का नाम जप कर रहे हैं। इतने में श्री हनुमान श्री रामचंद्र आए। रामचंद्र आकर के उठाया धनुष। देखो भगवान की बाण है ना अचूक है, भगवान की बाण अचूक है, भगवान का बाण है। लेकिन जब भगवान राम बाण मार रहे थे ना, लेकिन सुकांत क्या कर रहा था, भगवान का नाम को जप कर रहा था, और नाम और भी जो चक्र है ना वो उसको रक्षा कर रहा था। राम जितने बाण मारे, बाण तो जाता है लेकिन वो चक्र में लग करके नीचे गिर जाता है, वो चक्र में लग करके नीचे गिर जाता है, लेकिन उसको कुछ हो ही नहीं रहा था। देखो भगवान का बाण भी जो व्यक्ति प्रभु का नाम लेता और उसने सीधा क्या किया, सुकांत तो बैठा हुआ था हनुमान का पूछ को नीचे, उन्होंने बाण उठा करके ना सीधा हनुमान को पर मार दिए। मार दिए तो वो बाण तो हनुमान की छाती में लगा, लगा तो हनुमान को छाती में, लेकिन भगवान राम बेहोश हो गए। भगवान राम बेहोश हो गए। बोले क्यों? बोले हनुमान के हृदय में कौन रहते हैं? राम। उन्हें छाती फाड़ कर दिखा दिया ना, देखो मेरे हृदय में राम का निवास है। जब भगवान राम बेहोश हो गए, इतने में राम का जब होश आया, इतने में उन्होंने सुकांत श्री सुकांत जी को पूछे, बोले ये बताओ तुमका तुम्हारी ये जो दुर्बुद्धि है कौन सा असत संग से तेरी दुर्बुद्धि हुई? बोले प्रभु जी असत संग से नहीं सत्संग से हुई। बोले कौन सा भाई सत्संग से? बोले मेरे को नारद जी ने बताया। हरी से हरी का नाम